आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हियर द क्वेश्चन इज, इफ टू इंटरफेरिंग वेव्स हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड इज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इंटरफेरिंग वेव्स के इंटेंसिटीज का रेशियो दिया गया है 9:1। हमको किसका रेशियो निकालना है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। सो हेयर हम लोग क्या जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर। ठीक है, देन अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो इंटेंसिटीज है, I1 फर्स्ट वेव के लिए, ठीक है, एंड I2 किसके लिए? सेकेंड वेव के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम लोग का इंटेंसिटी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ कोई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, A1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फिर I2 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद K टाइम्स ऑफ A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें, I1 अपॉन में I2 का अगर हम लोग क्या ले लें, रेशियो ले लें, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में क्या हो जाएगा? A2 का होल स्क्वायर। के से के चला गया, क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे? I1 अपॉन में I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखें इंटेंसिटीज का रेशियो 9:1 दिया गया है, तो 9:1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से A1 अपॉन में A2 क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 9:1। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि A1 इक्वल टू क्या आ गया? 3 टाइम्स ऑफ A2। ये तो क्या आ गया हम लोग का? रिलेशन आ गया दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में। और हम लोग क्या जानते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है हम लोग का? A1 प्लस A2। और हम लोग का मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? A1 माइनस A2। इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है, तो A मैक्सिमम अपॉन में A मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग का यहाँ पे, तो A1 का जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 3 टाइम्स ऑफ A2। तो 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस का A2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ A2 माइनस का A2, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम्स ऑफ A2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A2। तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, A2 से A2 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, यहाँ पे जो हम लोग का रेशियो आ गया वह क्या आ गया? 2:1 का आ गया। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन में मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो हमसे पूछ रहा था, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया? 2:1 का आ गया। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।